अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग आए हुए हैं सराफी मेगा मॉल अबाया की शॉपिंग करने। अगर आपको जेद्दा में अबाया की शॉपिंग करनी है तो मेरे ख्याल से सराफी तो बेस्ट है। यहाँ पे आपको रिजनेबल प्राइस में और अच्छी क्वालिटी के अबाया मिलेंगे। बवादी में भी हैं पर बवादी की क्वालिटी मेरे ख्याल से इतनी अच्छी नहीं है, और उसी रेंज में आपको यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के अच्छे अबाया मिलेंगे। और आप देख सकते हैं न्यू ट्रेंड में जो भी चल रहे हैं वो इनके पास अवेलेबल रहते हैं। और फ्लेमिंगो में काफ़ी लोग जाते हैं अबाया की शॉपिंग करने, पर फ्लेमिंगो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी आपको सराफी में क्वालिटी अच्छी मिलेगी। इनके मटेरियल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और डिज़ाइंस भी आप देखें ट्रेंडी होते हैं सारे। और अभी जो भी ट्रेंड में चल रहे हैं आप जैसे देख सकते हैं, कलर्स ले लेके और इसके मटेरियल्स ले के आप देखें सारे ट्रेंडी में, और बहुत ही खूबसूरत अबायास थे। और रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सारी शॉप्स में 150 रेंज में अबायास हैं। और अगर आप बार्गनिंग करेंगे तो अच्छी बार्गनिंग में आपको 120 तक मिल जाएंगे अबाया, और अच्छे जो कि आप किसी अजीज़ मॉल या रेड सी मॉल वॉल में जाएंगे और ब्रांड के अबाया लेंगे तो वो अराउंड 200-500 के रेंज के आपको इधर 120-130 में आसानी से मिल सकते हैं। और स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, अभी तो सारा लेडीज़ स्टाफ है जो कि बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छे से हैं। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइंस के अच्छे अच्छे कलर्स के अबाया आए हुए हैं। उस पर मैंने भी सोचा था कि मैं भी ट्रेंड में ही लूँगी कलरफुल। और हम लोग ने अबाया की शॉपिंग कर ली थी क्योंकि हमें और दूसरी जगहों पे भी जाना था वापस, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग ने शॉपिंग कर ली थी। मुझे जो अबाया लेना था मैंने ले लिया, जो भी डिस्प्ले में होता है ऑलमोस्ट वही अबाया अंदर भी होते हैं। फिर हम लोग गए थे स्नैक्स, थोड़े शाम था तो हम लोग ने डोसा और इडली का प्लान किया था कि हम लोग आज वहाँ खाएँगे। चेन्नई दरबार हम लोग इसलिए आए, और यहाँ तो बेस्ट है कि आप आराम से लाइट फूड के लिए बहुत ही अच्छा है चेन्नई दरबार, और स्नैक टाइप्स के लिए भी नूडल्स भी बहुत अच्छे यहाँ पे मिलते हैं। और अभी तो यहाँ पे सिटिंग एरिया भी चेंज कर दिया है, अपस्टेयर फैमिली सेक्शन कर दिया है, डाउनस्टेयर्स पे सिर्फ सिंगल्स के लिए है। काफ़ी रेनोवेशन भी हो गया है इनका, ये देखें आप, और ये डाउनस्टेयर्स पे सिंगल्स है और अपस्टेयर हम लोग जा रहे हैं फैमिली सेक्शन के लिए। और लंच टाइम तो ओवर हो चुका था इसलिए काफ़ी रश नहीं थी, खाली हो चुका था। हम लोग अराउंड 4 o'clock यहाँ पे रीच हुए थे तो लंच टाइम ओवर हो चुका था, सब जा रहे थे और अच्छा टाइम था, वरना तो यहाँ पे इतनी रश होती है कि आपको आधा एक घंटा वेट भी करना पड़ जाता है टेबल्स के लिए। बरवीज ने कॉर्नर की टेबल से लेकर कि वहाँ पर अपना प्राइवेट रहता है, आप आराम से सुकून से आप साइड में बैठते हैं, यहाँ पे सामने तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है। फाइनली हम लोग को टेबल मिल गई थी, ये देखें। बच्चों को तो आउटिंग में ये सब में बड़े मज़े आते हैं, इन लोग का तो अपना अपना भी रहता है ना ये ऑर्डर करना है, और यजान ने तो खूब इंजॉय किया। और फाइनली हमारा डोसा आ गया, और इडली अभी भी वेटिंग में थी, उसका स्टाफ जो है थोड़ा स्लो था उस दिन। फिर उसके बाद हम लोग यास्मीन स्टोर गए थे एज यूजुअल, जो शॉपिंग थोड़ी बहुत लेनी थी जो कि पंडा और वगैरह में बिंदाउद और कैरीफोर में नहीं मिलती है, जो इसके लिए स्पेशली आना पड़ता है अपने इंडियन सामान के लिए, तो हम लोग उसको लेने आ गए थे। और काफ़ी चीज़ें आसानी से यहाँ मिल जाती हैं जो कि आप इधर उधर ढूंढते ही रह जाते हैं। यहाँ पर पीनट्स होते हैं, और मुझे थोड़ी सी तिल लेनी थी, वो खट्टा बैगन बनाना था मुझे, बघारे बैगन जिसे कहते हैं, और अचार जो इंडिया पाकिस्तान के अच्छे अचार अच्छे ब्रांड्स के यहाँ पे मिल जाते हैं वो सब भी हम लोग को लेने थे, ये देखें। और इनकी प्राइस भी सही रहती है और इजली आपको सारी चीज़ें एक स्टोर में ही सब मिल जाता है, इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है, देखें। और अच्छी क्वालिटी के और रीज़नेबल प्राइस पे इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और मसाले भी आपको हर जगह आपको वो मसाले नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सारे ब्रांड्स के मसाले आपको मिल जाते हैं, चाहे शान के हों, नेशनल के हों, और दूसरे भी ब्रांड्स हैं, हैदराबाद के भी काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ अवेलेबल हैं, वो भी मिल जाते हैं। लिचित पापड़ जो कि हम लोग हमेशा हर जगह ढूंढते रह जाते हैं, पर यहाँ पर आपको हमेशा इसका स्टॉक मिल जाता है, ये देखिए।
मैंने दो पैकेट लेजर पापड़ ले लिए, क्योंकि इसको बार बार तो आना इतना ईजी नहीं होता है कि आप बार बार इधर आए। और पापड़ स्नैक में भी अच्छा लगता है और खाने में साथ भी अच्छे लगते हैं। और बच्चों के लिए मैंने थोड़े से फ्रैंक्स भी लिए थे फ्राई करने के लिए। मैं हमेशा पापड़ चेक कर लेती हूँ, नहीं तो अक्सर पापड़ पी आप चेक कर लें तो अंदर से टूटे हुए होते हैं, तो इसलिए हमेशा नीचे से ही उठाएं, तो क्योंकि वो ऊपर से सारे लोगों उसको चेक किए रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक हो चुके रहते हैं पैकेट के अंदर ही। और ये देखें अब सारे हर चीज़ें ये ओल्सा बिंदिया और पाकिस्तान के सारे ब्रांड्स इनके पास होते हैं। ये मसाले आपको हर तरह के कोई भी ब्रांड आप देख लें यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल है। कोई भी मसाले जो आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं यास्मीन स्टोर्स पे आप फाइनली आपको ज़रूर मिल जाएंगे। हम लोगों ने खीर मिक्स भी लिया था और बिरयानी मसाला भी मेरा फिनिश हो गया था, तो बिरयानी मसाला भी हम लोगों ने ले लिया था। मेहरान के भी मसाले अच्छे होते हैं, पर मेहरान के मसाले थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम लोग इसको थोड़े कम इस्तेमाल करते हैं, और नेशनल के और शान के ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, थोड़े लाइट होते हैं। और इधर चाय की पत्तियों के भी रेंज हैं, सारे इंडिया के भी चाय की पत्ती हैं, इवन कि यहाँ पर आपको बिस्किट क्रैक जैक्स और ब्रिटानिया और सारे बिस्किट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको इंडिया का टेस्ट लेना है तो उसका भी आपको टेस्ट यहाँ मिल सकता है। गुड्डे भी है, देख सकते हैं आप गुड्डे के बिस्किट्स भी रखे हुए इधर। यही यहाँ पे कि आपको हर चीज़ें इनो हम लोग इतने दिन से देख रहे थे पर इनो कहीं नहीं मिल रहा था, पर फाइनली हमको यहाँ पर इनो भी मिल गया है। ये देखिए आप क्रैक जैक,